नमस्कार, मानसी मांद्रेकर, इंटीरियर डिज़ाइनर, और आप सभी जन देख रहे एस इंटीरियर चैनल। आप सभी का एस इंटीरियर चैनल में बहुत ही स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके घर में एक ऐसा स्पेस जो कि उसके वजह से आपका रूम बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेट हो सकता है, और वो आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपके घर के वॉल निश। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डिज़ाइनर वॉल निश एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, और ये जो नीश बनते हैं उसका एग्जैक्टली आपके इंटीरियर में एग्जैक्टली उसका इम्पैक्ट क्या आता है, तो ऐसे ही सारे चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो आप ये मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जो वॉल निश है उसके बारे में आपके दिमाग में जितने भी सारे सवाल आते रहेंगे उन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसमें सबसे पहले तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये एग्जैक्टली वॉल निश होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको एक रूम में दिखा रही हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक कॉलम आया हुआ है, और कॉलम के बाद में एक स्पेस है। ये कॉलम और ऊपर के बीम के वजह से यहाँ पे एक नीश क्रिएट हुआ। अभी ये नीश, वैसे तो लगता है कि ये वाला स्पेस लिविंग रूम का वेस्ट गया, लेकिन वही नीश को आप एक डिज़ाइनर नीश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका वो वाला एरिया अच्छी तरह से डेकोरेट हो सकता है। अभी आप दिमाग में और एक सवाल आता रहेगा, क्या ये सिर्फ कॉलम के स्ट्रक्चर से ही नीश बनता है? जी नहीं दोस्तों, ये स्ट्रक्चर के वजह से वहाँ पे जो स्पेस है उसको हम लोग यूटिलाइज़ करके डिज़ाइनर नीश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी जगह है जिसमें आप एक सेपरेटली वॉल पैनलिंग या बॉक्स बना के प्लाई में उसको एक नीश की तरह एज अ डिज़ाइनर नीश यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में और एक सवाल आता रहेगा कि सिर्फ ये अंदर में जो स्पेस जा रहा है उसकी वजह से ही नीश क्रिएट होते हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, ये अंदर जाते हैं उसकी वजह से तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर वैसे स्पेस नहीं है तो आप प्लेन सरफेस के ऊपर भी, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक स्क्वायर बना के उसको बाहर की तरफ नीच क्रिएट किया, और वो पैनलिंग में और कहाँ पे भी यूनिट में वो वाले बाहर आए हुए नीच भी आप एज अ डिज़ाइनर कंसेप्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे बात किया कि अंदर स्पेस जा रहा है, बाहर स्पेस जा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो अंदर जाने वाले नीश है उसमें जगह काफ़ी कम होती है ना, हार्डली 2 इंचेस या 1.5 इंच या 2.5 इंच। ऐसे हमें अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रखनी है तो उसके लिए कम से कम 3 इंच जगह चाहिए, तभी हम लोग अंदर से बाहर आने वाला, यानी यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है अंदर से वो नीश क्रिएट हुआ, और हम लोग ने उसको बाहर से भी फ्रेमिंग किया, यानी ये अंदर से बाहर आने वाला नीश है, उसकी वजह से आपको वहाँ पे 3 इंच स्पेस मिला है जिसमें आप कोई भी डिज़ाइनर चीज़ वहाँ पे रख सकते हैं। शायद आपके दिमाग में और एक सवाल आता रहेगा, क्या सिर्फ एक ही नीश से डिज़ाइन बनता है? तो ऐसे नहीं है दोस्तों, अगर आप आपके पास स्पेस है तो एक ही स्पेस में 5, 6, 6 नीश या 7, 8 नीश उसका जॉइन करके उसको एक अच्छी तरह से यहाँ पे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ कि हम लोग ने यहाँ पे ये बंडल ऑफ नीश है और उसको अच्छी तरह से डाइनिंग के पीछे इसको डेकोरेट करके बना हुआ है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीश में एक चीज़ रख सकते हैं या बंडल ऑफ नीश वहाँ पे बना सकते हैं, यानी 7 to 8 नीश इकट्ठा कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये भी सवाल आता रहेगा कि ये नीश में हम लोग शेल्फ डाल के उसके ऊपर वो नीश पूरा यूज़ कर सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी नीश है जिसमें आप कोई एक हर चीज़ अगर आपको हाईलाइट करनी है तो ग्लास का शेल्फ डाल के वो वाला जो, अगर हाइटेड नीश, अगर नीश का हाइट ज़्यादा है तो आप शेल्फ डाल के भी वो वाला नीश एज अ डिज़ाइनर चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखा आपने, अगर आपके घर में कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर के वजह से अगर नीश क्रिएट हुए तो उसको आप ज़रूर नीश में कन्वर्ट कीजिए, और आपके वो वाले एरिया को बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेट कीजिए। अगर ऐसे स्पेस नहीं है तो जैसे मैंने आज आपको बताया कि कैसे आप नीश क्रिएट कर सकते हैं, वैसे नीश क्रिएट करके आपके घर को बहुत ही अच्छे तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स, ये वाले जो नीश आप बनाएंगे उसमें आप कोई भी ऐसे एक यूनिक चीज़ वहाँ पे रख दीजिए और उसके ऊपर एक लाइट या स्पॉटलाइट का अरेंजमेंट कीजिए, ताकि आपके घर में अगर कोई भी गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले आपके ये जो डिज़ाइनर नीश है उसके ऊपर उनका ध्यान जरूर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी आज मैंने आपके साथ ये वाले नीश, डिज़ाइनर वॉल नीश के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें शेयर की है, वो ये वाला वीडियो आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।